एक ऐसा स्कूल जो उस जमाने में कह लीजिए सन 1931 के दौर में इसकी स्थापना एक बेहद उत्साहजनक विषय था, जिसकी स्थापना और शुरुआत महाराज रामानुज शरण देव द्वारा की गई थी, जिसके कारण इसको रामानुज शरण विद्यालय के नाम से भी स्मरण किया जाता है। इस स्कूल की स्थापना से पूर्व सीतापुर में शिक्षा की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण सीतापुर क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ था। सरगुजा क्षेत्र में अंबिकापुर हाई स्कूल के बाद एक विशिष्ट नाम और अपनी एक अलग पहचान प्रतिष्ठा स्थापित किए हुए इस स्कूल को प्रशासन और जन प्रतिनिधि भूल चुके थे। स्कूल में कभी बच्चों की संख्या 2000 से अधिक होती थी, वो घटकर बमुश्किल 200 ही रह गई थी। स्कूल की बिगड़ती हालत और शासन के उदासीन रवैये के चलते अपना सब कुछ खो बैठे उस स्कूल की हालत लगभग ठहने जैसी हो चुकी थी। उम्र से पहले ही बूढ़ी हो चुकी उन स्कूल की दीवारों को प्रशासन से गिराने के आदेश तक मिल चुके थे। स्कूल के ऊपरी छज्जे का प्लास्टर टूटकर गिर रहा था, जो कि दुर्घटना का कारण भी बन सकता था। कई प्राइवेट संस्थान आज सीतापुर में विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे हैं। इन्हीं कई कारणों से शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर में शिक्षा का स्तर गिरने लगा एवं समय के साथ साथ यह विद्यालय जीर्ण होने लगा, जिसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या की औसत दर कम होने लगी। विद्यालय की स्थिति ऐसी थी कि बरसात के समय पानी हर कमरे में टपकता था एवं शिक्षकों की भी लगातार कमी बनी रहती थी। इन सब के कारण गरीब परिवार से आने वाले छात्र छात्राओं का इस विद्यालय को लेकर मनोबल टूटता जा रहा था और न चाहकर भी उनको निःशुल्क शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत कब नया मोड़ ले ले, कोई नहीं जान सकता। बस ऐसे ही स्कूल पर नजर पड़ी शैलेश बाबा की। बस उसी क्षण स्कूल की दयनीय अवस्था को सुधारने का शैलेश बाबा ने दृढ़ संकल्प लिया और इसी संकल्प के तहत स्कूल के जीर्णोद्धार की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हुए अपने परिवारजनों, भाइयों, मित्रों से इस विषय में विचार विमर्श किया। स्कूल की किस्मत अच्छी निकली, सब ने इस संकल्प में शैलेश बाबा का साथ देने का निश्चय किया और बाबा के तत्वाधान में कर दी शुरुआत स्कूल के जीर्णोद्धार की। सबके संगठित सहयोग के साथ बाबा ने स्कूल के जीर्णोद्धार में अपनी स्वयं की पूंजी भी लगा दी। उन्हें अपनी पूंजी के व्यय होने का नहीं, स्कूल को एक बेहतर स्कूल बनाकर बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने की लालसा अधिक थी। ये कहने में गर्व ही होगा कि सीतापुर के स्कूल से लगाव नहीं होने के बावजूद बाबा के इस अनूठे कार्य में बाबा के सहयोग में उनके मित्रगण और आत्मीय जनों ने उनका पूर्णतः सहयोग दिया, जिसमें अंशु बाबा, नृपेंद्र सिंह जी इंदौर से, सचिन बाबा धौरपुर, अमित बाबा लखनपुर, सचिन जी, रणविजय बाबा लखनपुर, अंबिकापुर से जय सिंह जी, बाबा की अर्धांगिनी माननीय नेहा रानी जी, धौरपुर के मित्रगण, क्रेशर संघ के सदस्यगण, ये सभी जो कि शैलेश बाबा के स्कूल कॉलेज के समय से उनके सहपाठी मित्र रहे हैं, सभी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पुनीत कार्य में बाबा का सहयोग दिया। इन्हीं सबके सहयोग और बाबा के दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर आज अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है। ऐसी परिकल्पना है कि भविष्य में ये स्कूल एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल के रूप में लोगों के समक्ष अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। एक शांत और अपने ग्राम्य संस्कृति को संरक्षित किया हुआ सभ्य जनपद सीतापुर, जिसे 6 किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाने वाला मैन पार्ट स्थित है। यदि हम रायगढ़ रोड से यात्रा करते हुए सीतापुर में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्वागत खेल ग्राम कहलाने वाले ग्राम पंचायत चलता के द्वारा किया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में क्रीड़ा कार्यक्रम के लिए अपने विशिष्ट पहचान बना चुका है। और यदि हम अंबिकापुर मार्ग से होकर सीतापुर में प्रवेश करते हैं तो एक सुंदर और भव्य विद्यालय अनायास ही हमारा ध्यान आकृष्ट कर लेती है। वह विद्यालय है शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर।
शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर की गिनती प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में की जाती है, जहां पूरे ब्लॉक के छात्र छात्राएं अध्यापन के लिए आते हैं। इस विद्यालय की प्राचीनता का बोध इसका बाह्य स्वरूप कराती है, जो कि ब्रिटिश कालीन इमारतों की जैसी ही प्रतीत होती है। स्पष्ट है कि इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के मंदिर के रूप में की गई थी। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे मेरा साया भी धूप में जाने के बाद मिला। दुनिया में हर कोई सपने देखता है, कोई बड़े सपने देखता है, कोई छोटे सपने देखता है। कहने बस से और चाहने से कुछ नहीं होगा। जब सरकार और बाकी बड़े जन प्रतिनिधि कुछ ना कर सके तो आप अकेले क्या कर लेंगे। मगर बाबा की मानसिकता कुछ और ही थी, क्योंकि बाबा के अनुसार इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि सोच और कोशिश के बीच का फर्क होता है। इनका स्पष्ट कहना था कि यह सच है कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर प्राइवेट स्कूल नहीं बन सकता है, किंतु प्राइवेट स्कूल से अच्छा अवश्य बन सकता है। आवश्यकता है तो दृढ़ संकल्प की। अपने इस वाक्य को चरितार्थ करने के लिए आदरणीय शैलेश बाबा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर के उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। इसी के साथ प्रारंभ हुआ विद्यालय का जीर्णोद्धार कार्य। इसके लिए उन्होंने जीर्णोद्धार हेतु उपलब्ध होने वाली अपर्याप्त राशि पर विचार न कर स्वयं के व्यय पर समस्त विद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया। आज इस स्कूल में एनसीसी के द्वारा छात्र छात्राओं को सैनिक बनने के संबंध में प्रारंभिक प्रशिक्षण दिए जाने की सुविधा भी है, जिससे कि प्रारंभ में ही छात्र छात्राओं को देश प्रेम के हेतु समर्पण के लिए सेना में जाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसके अलावा सर्व सुविधा युक्त लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर के द्वारा हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। वर्तमान में यहाँ पर 12वीं कक्षा तक के अध्ययन की सुविधा है। शैलेश बाबा के प्रयास से इसका स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। अब स्कूल में सर्व सुविधायुक्त प्रसाधन कक्ष भी छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है। उपरोक्त विद्यालय के चित्रों से स्पष्ट है कि श्री शैलेश बाबा द्वारा विद्यालय में किस स्तर तक सुधार करवाने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया कि विद्यालय में पुस्तकों अथवा बैठक व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी ना रहे। आज विद्यालय में उच्च स्तरीय कंप्यूटर लैब एवं विज्ञान विषय के लिए सर्व उपकरण युक्त प्रयोगशाला भी है। शैलेश बाबा के इस दृढ़ इच्छा शक्ति से किए गए प्रयास का ही यह परिणाम रहा कि छात्र छात्राओं की यह धारणा बदल गई और सभी ने ये माना कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर किसी भी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं। परिणाम ये हुआ कि पिछले 2 वर्षों में विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का औसत दर आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया है। सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय में प्रवेश पाकर विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ा है एवं उनका यह भ्रम भी टूट गया कि सरकारी विद्यालय किसी भी दृष्टिकोण से प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं। आज भावात्मक समर्थन के साथ शैलेश बाबा विद्यार्थियों के सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं। इनकी प्रत्येक चेष्टा देश के हित में कुछ नया करने की रही है। इसी का उदाहरण है सीतापुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद युवा महोत्सव का आयोजन कराया जाना, जिसने युवाओं के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को खुला मंच उपलब्ध कराया है, जिसने विदेश स्तर के कलाकारों को भी सीतापुर की धरा पर प्रदर्शन हेतु आने पर विवश कर दिया। इसके अलावा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। सीसीटीवी कैमरा लगाने के कारण जहां विद्यार्थियों की उपस्थिति का सटीक आकलन किया जा सकता है, वहीं असामाजिक तत्वों से विद्यालय को सुरक्षा भी प्राप्त हो रही है। विद्यालय के प्रांगण को उद्यान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। विद्यालय में विद्यार्थियों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, जहां अवकाश एवं अन्य समय पर खेलने हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। इन्हीं सब कारणों से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है, जिसके लिए इसका सारा श्रेय
आदरणीय शैलेश बाबा के दृढ़ इच्छा शक्ति से किए गए प्रयासों को ही जाता है। शैलेश बाबा जहां खुद राज परिवार और सीतापुर जनपद के उपाध्यक्ष हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका जीवन बेहद सहज सरल व साधारण है। खेती किसानी और खेल कूद में विशेष रुचि रखने वाले हम सबके चहेते शैलेश बाबा ने न सिर्फ स्कूल का जीर्णोद्धार कर उसकी सूरत बदली, अपितु चलता ग्राम में कई दूरगामी मार्गों की दशा भी बदली। पैदल पहुंच मार्गों को पक्के सड़कों व चमचमाते स्ट्रीट लाइट की जगमगाहट दी। जब भी आप किसी इंसान या व्यक्ति से मिलते हैं, हमारा दिमाग तुरंत उस इंसान व्यक्तित्व की गणना करने लगता है। जबकि बाबा साहब से आप मिलेंगे तो मिलते ही आपको एक खुशहाल और सकारात्मक सोच व नजरिया खुद ही महसूस होने लगेगा। सीतापुर विद्यालय के जीर्णोद्धार से मिली संतुष्टि के बाद बाबा साहब ने क्षेत्र के सभी वर्गों व संस्थानों में हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शाला व आंगनबाड़ी केंद्र चलता में भी प्रत्येक कमरे में कैमरे, टाइल्स, आधुनिक साधन उपलब्ध कराए, बैडमिंटन, बास्केटबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा देने पर्याप्त मैदान व सर्व सुविधा युक्त साधन उपलब्ध कराए हैं। हमेशा लोगों की मदद करने वाले शैलेश बाबा व्यक्तिगत तौर से आए दिन लोगों की मदद करते रहते हैं, चाहे किसी को आर्थिक तौर पर या फिर बच्चों को किताबों के तौर पर, कपड़ों के तौर पर, खेल कूद के सामान के तौर पर, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराने के तौर पर। हम सभी के प्रिय आदरणीय शैलेश बाबा कहीं न कहीं से लोगों की मदद का केवल बहाना ढूंढते रहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती है और यही ये अपने जीवन का लक्ष्य भी मानते हैं।